गुजरात डिस्ट्रिक्ट का टॉप प्रोजेक्ट, सेलम डिस्ट्रिक्ट का टॉप प्रोजेक्ट, सिटी हाउसिंग की गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। Assalamualaikum. This is Rabia Durrani from the platform of Titanium Agency. आज हम आपसे बात करेंगे गुजरात डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। गुजरात डिस्ट्रिक्ट में रियल स्टेट की क्या करंट पोजीशन है, कि यहाँ पे आया रियल स्टेट स्टैंड करेगी कि नहीं करेगी। हम लोग आज इसके हवाले से बात करते चलेंगे कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं इस टाइम, और उसकी आबादी के लिहाज से कौन सी सोसाइटी ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर हम गुजरात डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है गुजरात सिटी से, और इसका जो एंड होता है वो जलालपुर जट्टा से होता है। इस टाइम जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन है वो है 27,58,289। ये लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। ये एरियाज जो हैं ये 1947 से अबव के एरियाज हैं। यहाँ पे पहले आबादी बहुत ज़्यादा थी, और अब लोग जो हैं यहाँ पे आबादी की तरफ रह रहे थे, जहाँ पे आपको कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल भी मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ मिल रहा है, आपको पीसफुल एरिया नहीं मिल रहा। आया क्या वजह है कि जो अब लोग लाहौर जैसे, इस्लामाबाद, पिंडी जैसे मेन शहर को छोड़ के गुजरात डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिसमें खारियाँ और झेलम से रिफ्रेश है। अब लोग ज़्यादातर अपने आबादी के एरिया को छोड़ के सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं गुजरात डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप ट्रेंडिंग सोसाइटीज़ के हवाले से बात करूँ तो वो है सिटी हाउसिंग खारियाँ। खारियाँ के हवाले से अगर बात करूँ तो खारियाँ वो सोसाइटी है जो अपने आते साथ ही टाइम पे, जिस तरह लॉन्च हुई उसी टाइम पे वो उसने अच्छा इन्वेस्ट दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और जो एंड यूज़र्स हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रही है। सिटी हाउसिंग खारियाँ ने पहले इसका स्टार्ट का ब्लॉक लॉन्च किया था, नाउ अब सिटी हाउसिंग खारियाँ ने मेकफेयर ब्लॉक को लॉन्च कर दिया गया है। मेकफेयर ब्लॉक भी इस टाइम बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग जा रहा है, यहाँ पर वो कमर्शियल भी दिए जा रहे हैं। सिटी हाउसिंग ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अब मार्केट को कम्पीट किया है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम्पीट किया। सिटी हाउसिंग कोई आम और छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जो किसी एक शहर में हो। सिटी हाउसिंग इस टाइम तमाम तर उन शहरों में है जो बहुत ही जाने माने शहर हैं और जो बहुत ही मशहूर हैं और पाकिस्तान के दिल हैं, लाइक सिटी हाउसिंग फैसलाबाद, सिटी हाउसिंग सियालकोट, सिटी हाउसिंग मुल्तान, सिटी हाउसिंग झेलम और सिटी हाउसिंग खारियाँ। सिटी हाउसिंग पहले सिर्फ कैश पे प्लॉट देते थे, और वहाँ पे आप जितने भी क्लाइंट्स थे उन्होंने कैश पे, इन्वेस्टर ज़्यादा अपने कैश पे प्लॉट उठाए थे। लेकिन सिटी हाउसिंग ने जब देखा कि लोगों की नीड्स बढ़ती जा रही हैं और इकोनॉमिकल करने के लिए उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए इसको सबसे पहले सिटी हाउसिंग झेलम में अपना अनाउंस किया इंस्टॉलमेंट पे प्लान। नाउ अब सिटी हाउसिंग खारिया में भी आपको प्लान मिल रहा है इंस्टॉलमेंट पे, जो बहुत इकोनॉमिकल है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड हैं। सबसे पहले अगर हम कोई भी सोसाइटी में अपना प्लॉट बाय करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं एंड पे इसके डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, पर मरला आपको 1 लाख लगाया जाएगा या 2 लाख लगाया जाएगा, तो एक ये बहुत बड़ी टेंशन होती है। लेकिन सिटी हाउसिंग ने अपने क्लाइंट्स की ये टेंशन भी दूर कर दी है कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके। अब मैं आपको बताऊंगी झेलम शहर के हवाले से। झेलम डिस्ट्रिक्ट में जो इस टाइम टोटल आबादी है वो है 12,20,204 लोगों की। इसके बाद से बात करूं कि सिटी हाउसिंग झेलम भी यहाँ पे है, और सिटी हाउसिंग झेलम बहुत ही बेनिफिशियल सोसाइटी रही है। अगर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती चलूं तो ये जो प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो आज से कोई 8-9 साल पहले की बात है, तब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सेटेलाइट टाउन के नेम से। लेकिन जिन्होंने ये ऑन किया था उनका दिवालिया हो गया, वो किसी भी प्रोग्रेस नहीं कर सके और उसको एक प्लस कैटेगरी में नहीं दे सके, तब यहाँ पर सिटी हाउसिंग ने इसको ऑन किया। और सिटी हाउसिंग ने ऑन करके इसको विद इन 3-4 ईयर्स में ऐसा डिलीवर किया कि यहाँ पर इस टाइम अगर आप ऑन स्क्रीन पे देख सकते हैं तो कितने वाइल्ड रोड हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे सारे घर कंस्ट्रक्ट मिलेंगे और आपको कंस्ट्रक्शन भी मिल रही है। और सबसे प्लस पॉइंट जो मैंने यहाँ पे देखा है कि मैंने ऐसी किसी सोसाइटी में नहीं देखा कि एक वक्त में इतनी ज़्यादा जो है मशीनरी लगी हो जो कंस्ट्रक्शन कर रही हो। एक तरफ पर आपके लेफ्ट साइड पर जो है आपका हाइट पार्क का एरिया है जहाँ पर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, और एक तरफ आपका कंस्ट्रक्ट एरिया है। आमतौर पर जहाँ पर भी बुकिंग करवाते हैं तो हमें अभी अनाउंस नहीं किया जाता कि कौन सा ब्लॉक है और कब आएगा, हमें पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप ऑन ग्राउंड इस चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे मैप, मैं आपको मैप पे दिखाती चलूँ, यहाँ पे आपको ए ब्लॉक यहाँ पे मिलेगा जो फुली डेवलप्ड है,
बी ब्लॉक और आपको सी ब्लॉक, उसके बाद डांसिंग फाउंटेन जिसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। अभी यहाँ पे जो करंटली बुकिंग है वो है हाइट पार्क। हाइट पार्क इसका नाम क्यों रखा गया? हाइट पार्क इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अब फॉरनर कंट्रीज के से ज़्यादा ही मुतासर हो रहे हैं, उनके खानों के नाम, उनके जहाँ पे मशहूर प्लेसेस हैं उनके नाम हम लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हाइट पार्क रखा गया। यहाँ पे आपको 2400 कैनाल का पार्क मिलेगा और उसके इर्द गिर्द आपके घर आएंगे। अगर सोसाइटी की मैं बात करूँ कि यहाँ पे घर किस तरह बने हुए हैं, यहाँ पे घर हिल्स पे बने हुए हैं, कुछ घर ऊपर और कुछ घर नीचे, और बहुत ही खूबसूरत एक तर्ज़-ए-कार की सोसाइटी है कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, जैसे कोई हम हॉलीवुड या बॉलीवुड का सीन देख रहे हों, इस तरह की ये सोसाइटी है। यदि हम झेलम की बात करूँ तो ये ऐसी सोसाइटी लगती है कि जैसे कि एक ही सोसाइटी है, पूरा शहर आबाद है। ज़्यादा लोगों का कंसर्न होता है कि हम बुकिंग कहाँ से करवाएं, कौन सा चैनल ऐसा है जो बातमाद इदारा हो जहाँ से हम अपनी बुकिंग करवा सकें, तो उसके हवाले से आपका जो कंसर्न है वो ये कंसर्न है कि आप टाइटेनियम एजेंसी के थ्रू अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जो इस टाइम FBR रजिस्टर्ड कंपनी है। आपके इसके अप्रूवल्स भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप अभी अपने स्क्रीन पर लोगों को देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है। हमारे दो ऑफिसेज हैं लाहौर एंड इस्लामाबाद में। आप लोग जो हेड ऑफिस है मेरे से अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो हेड ऑफिस पे आप आ सकते हैं, जो बहरिया टाउन सेक्टर सी तलवार चौक पे है। यहाँ पे आके अपनी बुकिंग को मैच्योर करवाएं। मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट मुझे व्हाट्सएप एंड आई एम ओ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही हिस्ट्री के साथ वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।